अरे मम्मी पापा कितनी बोरियत हो रही है, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। अरे बेटा किताब निकाल लो, पढ़ना शुरू करो, मन तो अपने आप लग जाएगा। पापा फालतू बात नहीं। मम्मी हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्या हमारा मन कभी कुछ और करने का नहीं करता क्या? हमारा भी तो मन कभी और कुछ करने का करता है। कुछ और मतलब क्या है तेरा? और कुछ मतलब कुछ डिफरेंट, डिफरेंट मतलब कुछ तूफानी। अबे क्या बात कर रहा है पागल के बच्चे, घर में तूफान लाएगा? अरे रामकली कंट्रोल करो अपने प्रोडक्शन को, घर में तूफान लाने की बात कर रहे हैं साहबजादे। सुनो मेरा प्रोडक्शन तो बिल्कुल सही था, लगता है तुम्हारी फिनिशिंग में कमी रह गई। और हाँ मैंने जितना प्रोडक्शन करना था कर दिया, फालतू की उम्मीद मत रखना, बोल रही हूँ। क्या बात कर रहे हो आप दोनों, हमारे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे सरबती अपने कोमल हाथों से एक कप चाय पिला दो। अभी लाई। क्या बोला आपने? अरे मैं कहाँ कुछ बोल सकता हूँ आपके आगे भगवान, एक कप चाय की फरमाइश करिए भगवान, बस एक कप चाय मांगी है, इसमें भी गुस्सा? चाय से पहले क्या बोला? से पहले एक कप चाय ला दो बस। उससे पहले क्या बोला? से पहले मैंने कहाँ कुछ बोला? अरे अपने कोमल हाथों से एक कप चाय मांगी है बस। अरे उससे पहले क्या बोला? एक कप चाय ला दो अपने हाथों से। सरबती किसको बोला? तुमने मुझको सरबती बोला, कौन है ये सरबती? आपने मुझे सरबती बोला ना? सरबती ये कौन है? अब मुझे क्या पता कौन है ये सरबती, आप बताओ मुझे। अरे सरबती वो क्या, तुमने मुझे सरबती बोला, कौन है ये सरबती? नहीं मैंने ये कहा था अपने सरबत जैसे मीठे, तुम्हारे हाथ सरबती है ना, इन हाथों से एक कप चाय ला दो। अच्छा ऐसे बोला था? हाँ अभी लार। ये लो मेरे जगन्नाथ। हाँ? जगन्नाथ ये कौन है, कौन है ये जगन्नाथ? मेरा नाम तो जगन्नाथ नहीं है, कौन है ये जगन्नाथ? मेरा नाम तो, अरे किसने बोला जगन्नाथ? तुमने बोला? मैंने तो बोला ही नहीं। हाँ? मैंने तो आपको प्राणनाथ बोला है, जगन्नाथ तो मुझे बोलना ही नहीं आता। नहीं तुमने जगन्नाथ बोला, पागल हो? मैंने तो बोला प्राणनाथ चाय पी लो। अच्छा हाँ? जगन्नाथ नहीं बोला था। सुनो जी कोई खेल खेलते हैं। हाँ? मेरा बहुत मन कर रहा खेल खेलने को। हाँ रामकली मैं कंचे लेके आता हूँ, कल्ली जोटा खेलेंगे। नहीं नहीं वो तो बच्चों का खेल है। अच्छा तो फिर चलो गली में गुल्ली डंडा खेलेंगे। गुल्ली डंडा? अरे नहीं 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 वो मेरे से ऐसे ऐसे नहीं करा जाएगा। नहीं 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 वो नहीं। तो चलो फिर पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। पकड़म नहीं 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 मेरे से तो भागा ही नहीं जाएगा। कुछ और हटके कुछ नया गेम खेलते हैं ना। छटके? अरे मम्मी पापा ट्रुथ एंड डेयर खेलते हैं। ट्रुथ एंड डेयर क्या है? अरे मम्मी बहुत फनी गेम है, बड़ा मजा आएगा। अरे मम्मी पापा ये गेम है, और पापा आपको तो ट्रुथ एंड डेयर खेलना आता ही होगा। ट्रुथ एंड डेयर गेम है कोई? अच्छा ये कोई गेम है? ट्रुथ एंड क्या बोला? पापा ट्रुथ एंड डेयर। हाँ 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 मैं बिल्कुल आता है, मुझे तो दुनिया की हर गेम आती है, क्यों नहीं आती है? लेकिन बेटा तुम दोनों को ये गेम खेलना आता है और मेरे को तो आता ही है, तो चलो हम तीनों ही ये गेम खेलेंगे, क्योंकि रामकली को तो गेम बिल्कुल नहीं आता, और हाँ मैं इसको बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा गेम खेलना, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बता देता हूँ। हाँ अरे मम्मी क्या हुआ, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ना, पापा नहीं कर रहे तो क्या हो गया? इसमें ना जब एक बोतल घुमाई जाती है। हाँ? I'm going to go to the hospital.
चलती है। तो जब बोतल घूमती है ना, तो जैसे आप पे आ गई बोतल, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप ट्रुथ चुनोगे या डेयर। अगर आपने ट्रुथ चुना तो आपको सच सच बोलना पड़ेगा, और अगर डेयर हुआ तो मैं ना आपको ना कुछ टास्क दूंगी, टास्क की तरह वो आपको करना पड़ेगा। इसी गेम है बस। हाँ, अरे ये तो मुझे पहले से ही आता था। हाँ? मुझे भी तो अच्छे से आता था। घंटा आता था तुम्हें, पता था कुछ है नहीं, मुझे बोल रहे थे। अब मेरी बेटी ने मुझे समझाया तो आपको पता चल गया। अच्छा, तो कब खेलना है बेटा ये गेम? अभी खेलते हैं। ठीक है। लो भाई, ये है बॉटल। अच्छा, तो ये पहले से ही खाली करके रखी हुई थी। हाँ? चलो शुरू करते हैं ट्रुथ एंड डेयर। जिसकी तरफ भी बॉटल आई वो बनेगा टारगेट। शुरू करें। आप ही टारगेट बन गए। ट्रुथ लोगे या डेयर? ट्रुथ। मम्मी आप पूछो। अरे मम्मी, पापा से ना आप ही पूछो, बड़े चलाक है। हाँ बेटा, इनसे तो मैं ही निपटूंगी। हाँ तो तुम ये बताओ, जो मेरी इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ और जेवर कहाँ लेके जाते हो तुम, जो मेरे गायब हो गए? वो हाँ, वो ना तुम्हारी बहन के पास रखे हैं। कितनी समझदार है वो, दिल से इज्जत करता हूँ मैं उसकी, सुरक्षित है वहाँ पे। तुम तो लापरवाह हो, खोर ना दो इसलिए वहाँ। अच्छा, कभी बताया तो है नहीं मेरी बहन ने मेरे को। ओ कितनी और समझदार है, उनको पता लग गया वहाँ पर रखे हैं। तुम रोज वहाँ पर जाओगी, उनको परेशान करोगी और मेरा खर्चा बढ़वाओगी, कभी केले लेके जाओगी, कभी मोमोज, इसलिए नहीं बताया ना। वो समझदार है ना, बड़ी है, उनको इज्जत से बोला कर। अरे मेरी बहन तो अच्छी है ही, और हमारे घर में तो सारे ही अच्छे हैं। शुक्र है, मेरी बहन की इज्जत तो करते हैं। मैं तो बच गया, निमट गया। अब आती है तुम तीनों की बारी। अब बेटा तू गया। हंस गया तेरा पपलू। हाँ बेटा, ट्रुथ या डेयर? ट्रुथ। अरे बेटा, ये मेरा लाडला बेटा है, मुझे पूछने दे। अरे मैं पूछता हूँ। कोई नहीं पूछेगा इससे, इससे पूछूंगी मैं। ठीक है, मेरी लाडली पापा की परी, तू ही पूछ ले इससे, पर सॉलिड सा पूछे कुछ, बहुत तेज दिमाग है ये। अच्छा मुझे ये बता, मेरे फोन से तन्नु, तृप्ति और भूमिका को मैसेज कौन करता है और क्या करता है? दीदी, करता तो मैं ही हूँ, वो कभी कभी ना मेरे को जैसे मैथ्स के सम्स सॉल्व करने होते हैं ना, और वो मेरे को आते नहीं है, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ। वैसे भी आपकी तीनों फ्रेंड बहुत इंटेलिजेंट है ना, तो मैं कभी कभी उनसे हेल्प ले लेता हूँ। आपसे तो समझदार ही है, और वैसे भी वो मेरी बहन जैसी है। ठीक है, चलो चलो, मेरा हो गया, अब अगला करते हैं। अरे हंस गई रामकली, अब आई है बकरिया पहाड़ के नीचे। आती हूँ, आती पहाड़ को हिला दूंगी। मोहतरमा जी, ट्रुथ लोगे या डेयर? ट्रुथ। लोमड़ी से भी तेज दिमाग है, तुम्हारे बस की नहीं है ये। मैं मुश्किल से हैंडल करता हूँ। तो मोहतरमा जी, ये बताओ, मुझसे शादी करके तुम कितनी खुश हो और दिल से कितना प्यार करती हो? क्या पूछ लिया, मैं सच्चाई बता ही नहीं सकती। क्या बोला? सीधा सा सवाल है, एक पत्नी अपने पति को कितना प्यार करती है, मतलब आप हमें कितना प्यार करते हैं? है? ये कैसा सवाल है? मतलब तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? अरे बहुत ज्यादा करती हूँ। मतलब बहुत ज्यादा कितना?
अरे बहुत हो। मतलब बहुत क्या, बताना पड़ेगा बहुत क्या होता है। अभी तोल के बताऊं क्या? कितना? कितना? बता दिया ना, बहुत ज्यादा। क्या बहुत ज्यादा, कितना? अबे ओ खुसट दिमाग, ये वीडियो खत्म हो जाने दो, फिर बताती हूँ तुम्हें कितना प्यार करती हूँ मैं। मैं समझ गया, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, समझ गया। हम तीनों का तो हो गया, अब बची पापा की परी। अब भाई ऊंट पहाड़ के नीचे। रिया से तो मैं पूछूंगी। अरे नहीं नहीं रामकली, इससे तो मैं पूछूंगा। अरे चुप रहो मम्मी पापा, इससे तो मैं पूछूंगा, बदला भी तो लेना है। अब तू ये बता दीदी, हमेशा सैटरडे की शाम को क्लास के नाम पर आप कहाँ जाते हो, क्योंकि क्लास में तो आप मिलते नहीं। ओ कुत्ते कमीने, तेरे को जो अपने बर्थडे पे गिफ्ट चाहिए होते हैं महंगे महंगे, और तू हर अगले दिन मेरे को चरने के लिए कुछ ना कुछ पैसे मांगता रहता है, ये कहाँ से आते हैं? कहाँ से? पापा ट्यूशन पढ़ाते हो सैटरडे संडे को, इसकी तरह नहीं हूँ मैं। नहीं तो आप दोनों मेरे को पढ़ाने नहीं देते, इसलिए मैं चुपचाप जाती हूँ और साथ में अपनी क्लासेस भी लेती हूँ इसके आने के बाद में। पापा मम्मी को बोल के जाऊंगी तो पढ़ाने तो देंगे नहीं, पागल सबके सामने ला दिया। कितनी प्यारी बेटी, कितनी समझदार है, बिल्कुल मेरे पे गई है। ज्यादा चलाक बनता है। तो अब हमारा राउंड हो चुका है टूरिस्ट का खत्म, अगला राउंड करते हैं डेयर का। टन टन। मतलब कि अपनी इच्छा अनुसार कुछ करवाना। या यस यस यस, समझ गई मैं। साला ट्रुथ भी मेरा पहले आया, डेयर भी मेरा आया। मैं दूंगी इनको डेयर। अब देखो इनसे मैं क्या करवाती हूँ। तो बोलो क्या करना है, मुझे पता है ऐसे ही टास्क दोगी। खाना बनाना है, बर्तन मांजने हैं, कपड़े धोने हैं, सब आता है मेरे को, कपड़े प्रेस भी कर दूंगा। क्या करना है जल्दी बोलो। अबे चुप करना भूतनी के, पागल यही खिलाएगी तो। एक ऐसा गाना गाओ जो आज तक ना सुनाओ किसी ने, उसी पे पुष्पा वाला डांस करना है। अरे डांस तो ठीक है, जो गाना किसी ने सुना ही नहीं तो मैं कहां से सुनाऊं, मैंने भी नहीं सुना। यही तो टास्क है, यही तो डेर है पापा। चलो ठीक है। हाँ तो विचित्र गाना। यूट्यूबर रे कैसी तेरी कहानी रे, बनाए तू एक वीडियो और सब्सक्राइबर पिलाए तुझे पानी रे। घर करा के वायरल वीडियो लेता तू फ्री के व्यूज रे, घर करा के वायरल वीडियो लेता तू फ्री के व्यूज रे। सब्सक्राइबर को बोल ले तू ना मांगना मुझसे कोई रिव्यू रे। ये यूट्यूबर रे कैसी तेरी कहानी रे। कैसा लगा मेरा प्रोग्राम? अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया पप्पू, मैं तो तुम्हें मन बुद्धि लगा रही थी, तुम तो हाई क्वालिटी के निकले। क्यों, सुना था ये गाना कभी किसी से? नहीं। और ये मस्तानी स्टाइल का डांस पुष्पा फिल्म में भी नहीं हुआ होगा। अब मेरी जादुई बोतल घुमाओ। अब मैं दूंगा इसको टास्क। तो आपको टास्क दें अब? और क्या मतलब डेयर। हाँ तो रिया बेटे कौन से देश में रहते हो आप? क्या पूछ रहे हो ये? भारत में। भारत में रहते हो तो बेटे भारतवासी की परिभाषा बताओ। भारतवासी की परिभाषा? भारत के निवासी, इतना इजी। परिभाषा क्या है भाई? अरे हाँ हाँ भारत के वासी। अरे परिभाषा पूछी है। क्वेश्चन चेंज करो ना। ना 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 चीटिंग नहीं, ना ना गूगल से देख के बताती हूँ। ना ना नकल नहीं, ऐसा गाना गवाया जो साला किसी ने सुना ही नहीं, भारतवासी की परिभाषा।
मुझे नहीं पता कौन से भारत की पहली भैंस है, जैसे पता नहीं कितने पढ़े लिखे हैं। पहले बोलो हार गई? हार गई। यस। आपको पता है तो बताओ ना। तो सुन लो ध्यान से, सात पड़ोसी नौ ग्रह और बारह राशि। सात पड़ोसी नौ ग्रह और बारह राशि, जो माने सो कहलाए भारतवासी। सात पड़ोसी है हमारे देश के। और नौ क्या है? अरे नौ ग्रह नहीं होते क्या? और बारह क्या? बारह राशियां हैं। भारत ही एक अकेला ऐसा देश है दुनिया में जिसके सात पड़ोसी देश हैं, किसी के नहीं है। और नौ ग्रह और बारह राशि, ये ग्रह और राशि का खेल सिर्फ भारतीयों पे ही चलता है, कनाडा अमेरिका जापान में कहीं नहीं चलता। अब मैं घुमाऊंगा इसको भी, मैं ही दूंगा टास्क आज। क्यों भाई? नहीं, क्योंकि ये मेरा प्रोडक्शन है। तो अपनी लाडली मम्मी के प्यारे पपलू, बेटा पढ़ाई में कैसा है तुम? पापा एक नंबर। एक नंबर? बस एक ही नंबर? बेटा पहाड़े टेबल वगैरह आते हैं? पापा 20 तक। पक्का? गुड। मतलब 0 से 20 तक आते हैं? हाँ पापा। मतलब 0 से 20 तक पूरी टेबल आती हैं? हाँ पापा। टेबल सुने तेरे टास्क में तो इजी रहेगा ना, बहुत इजी है। हाँ पापा। बेटा 4.5 की टेबल सुना। 4.5 की टेबल? हंस रहा है भूतनी के बाप के सामने? अबे उल्लू के पट्टे, 4.5 की टेबल सुना दे। 4.5 एकम 4.5। बेटा बेटा तेरे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश में सुना। 4.5। अच्छा। 4.5 × 9। अरे पापा मेरे से नहीं हो रहा। मतलब 4.5 की टेबल दिया इसको। पढ़ा लो इनको। ये तो शुक्रमान, मैंने 3/4 की टेबल नहीं सुनी थी। पापा ऐसे भी कोई टेबल सुनता है? 1, 2, 3, 4 ऐसे सुनो। बेटा यही टेबल तो ज्ञान बढ़ाती थी पहले, हाफ की, 3/4 की, यानी कि आधा, पौना, सवा, ढाई, ढांचा। तुमने तो सुनी ही नहीं है, तकती नहीं पोती ना। तुम्हारा क्या होगा रे? का हाला मरे राम काले? क्या चाय बनाने की है? ने, पकोड़े? ना। बीड़ी लेके आऊं? ना 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 ना, वो मेरे पास है। जल्दी बोलो, दिमाग की दही मत करो। तो मुझे तुम 3 राज्यों का अलग अलग डांस करके दिखाओ। अबे ये दोनों तो हार गए, ये भी हारेगी। पप्पू पंडित से पंगा। मैं भी असली सतीश शर्मा की वाइफ नहीं, 3 राज्यों तो क्या, 7 राज्यों पे भी डांस कर दूंगी मैं। तू 3 पे करके दिखा दे। हम तो डांस कर ही देंगे, तुम बैंड का इंतजाम करो। बैंड की चिंता ना कर, मैं म्यूजिक डाउनलोड करके वही चला दूंगा। करो करो मम्मी डांस करो। दोस्तों ये बनाई है आपके मनोरंजन के लिए ट्रुथ एंड डेयर। अपना बेस्ट पार्ट कमेंट्स में जरूर बताना, हमने अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने की कोशिश करी है। आपको कितना पसंद आया हमें भी तो पता लगना चाहिए ना। मिलते हैं एक नए टाइटल के साथ अगली वीडियो में। टिल देन
टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली। बाय बाय।